हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से एक बार स्वागत है आप सबका विचार अल्टीमेट सॉल्यूशन में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कोई पर्सनल डाटा ना देकर भी जूम अकाउंट कैसे खोल सकती। ये जरूरी है क्योंकि आप सबको मालूम है कि जूम अकाउंट हैक हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों का ऑनलाइन मीटिंग की ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, उनको जूम अकाउंट यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप अपने पर्सनल डाटा ना यूज़ करके भी आप जूम अकाउंट बना सकते हैं। तो ये कैसे बना सकते हैं वो आज देखते हैं। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, जूम अकाउंट जूम ऐप है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है और इसके साथ आपको जो ज़रूरत है और एक ऐप वो है इंस्टेंट एड्रेस। ये जो हरे रंग का ऐप आपको दिख रहा है, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन जब करेंगे आप लोग तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आएंगे, ठीक है। तो ये जो ऐप है इंस्टेंट एड्रेस, इस ऐप को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस मिल सकते हैं ऐसे, और वो भी पूरे पैकेज के साथ आप सारे ज़िंदगी में पूरे ज़िंदगी ऐप यूज़ कर सकते हो। ये इस ऐप से लाएगी ईमेल सारे ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हो। वो कैसे कर पाओगे वो, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना के रखा है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। तो टाइम का बात ना हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ से आपको एक मेल कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे मेल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो मैं इधर से ये वाला पहले वाला मेल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको वापस जाना है जूम अकाउंट जूम ऐप में। इधर मुझे क्या साइन अप पे जाके आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो इधर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, आप कुछ भी रैंडमली चूज़ कर दीजिए, ठीक है। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ना देकर भी आप कुछ भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ देके आप सेट कर दीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का कोई भले नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपको ईमेल, तो मैंने जो ईमेल उधर से कॉपी किया था वो ईमेल लेकर देता हूँ, ठीक है। इंस्टेंट एड्रेस दे दिया, फिर फर्स्ट नेम मैं डालता हूँ अल्टीमेट ULTIMATE अल्टीमेट, फिर देता हूँ SL लास्ट नेम, फिर आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विस कर दिया, फिर मैं नेक्स्ट, ठीक है। वी सेंड एन ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। मैंने जो मेल देता है इसमें वेरीफाई के क्लिक दिया है। चलिए देखते हैं मेरे ऐप में वो मेल आया कि नहीं, तो मैं ऊपर से देखता हूँ, ठीक है। प्लीज एक्टिवेट योर जूम अकाउंट, वो मेल भी आ गया। मैं उस मेल को ओपन करता हूँ, मेल ओपन हो गया। फिर इधर जो एक्टिव अकाउंट है जो ऑप्शन वाला, इधर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो किसी भी ब्राउजर पे मैं ओपन करता हूँ, मैं कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों वो लिंक काम कर रहे हैं, अभी ओपन हो गया। डाई से मिल गया इधर, और इधर है साइन अप फॉर बिहेव ऑफ स्कूल। आप स्कूल के तरफ से साइन अप कर रहे हैं क्या नहीं, या खुद, तो आप इधर नो कर दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। फिर आपको आपका नाम आ गया और पासवर्ड, फिर कंप्यूटर पासवर्ड, एक पासवर्ड डालना है। तो इधर जो पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है, अपर लेटर और स्मॉल लेटर के साथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, तो मैं रखता हूँ अल्टीमेट ULTIMATE1 एट द रेट, ठीक है। उधर भी ULTIMATE1 एट द रेट, फिर कंटिन्यू, ठीक है। तो बस मेरे काम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको जूम ऐप में लॉग इन करके देखता हूँ। फिर आ गया मैं जूम ऐप में, साइन इन पे गया, जो ईमेल कॉपी किया था वो ईमेल डाला, पासवर्ड अभी भी जो सेट किया वो डालता हूँ ULTIMATE1 एट द रेट, ठीक है। साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। तो जाएगा साइन इन, हाँ साइन इन हो गया। अब इधर जो पॉपअप आया, वी वांट टू साइन इन विद फिंगर टिप्स, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आप यस भी कर सकते हो, तो यस करने से क्या होगा, आपको अब आपका फिंगरप्रिंट से साइन इन कर सकते हो कभी भी। तो देखिए मेरा अकाउंट पूरी रेडी हो गया, मैंने इसमें कुछ पर्सनल डेटा भी नहीं रखा है और सारे काम भी बिल्कुल सही तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। आप देखिए मीट एंड चैट, ऊपर ज्वाइन न्यू मीटिंग शेड्यूल, आप कुछ भी सारे भी काम कर सकते हैं आपके पर्सनल डेटा ना लेकर भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय,
और देखते रहे ऐसे ही कुछ सोल्यूशन वीडियो आपके चैनल अल्टीमेट सोल्यूशन में। अगर इस वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।